एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो सभी लोग अपने अपने घरों में करवा चौथ की तैयारियों में लगे होंगे, मैं भी लगी हूँ। और यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पे हो रही है बारिश। तो चलिए देखते हैं कि आज चंदा मामा दिखते भी हैं या नहीं दिखते हैं। मगर बादल रहेंगे तो मुश्किल है दिखना, और दिखेंगे नहीं तो फिर कैसे पूजा करेंगे हम लोग। दिख जाए तो अच्छी बात है। और ये देखिए मेरी मेहंदी, इसको मैंने अपने हाथों से लगाई है। और ये रही मेरी मेहंदी, साथ में थोड़ा ठीक लगा है, लेकिन इस साथ में तो रात को 1 बजे मैंने लगाया था, नींद में थी। पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा एक ही में पूरा फैल गया है। और इसमें तो मैंने रात को 10 बजे करीब लगाया था, थोड़ा ठीक लगा है। एक बार मैंने बुलाया नहीं किसी को मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किचन में और देखते हैं क्या बनाने जा रही हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ बनाने कढ़ी और खीर बनाऊंगी, और इसके बाद बनाऊंगी पनीर की सब्जी। और पुलाव जो है मैं शाम को, मतलब कि पूजा जब कर लूंगी नीचे में, कथा वगैरह कर लूँगी, तो इसके बाद मैं पुलाव चढ़ा दूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग की कितनी तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन गाइस चंदा मम्मा जो है निकल गए थे, बहुत ही अच्छे से पूजा भी हो गई थी हमारी। तो गाइस तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं जो है कढ़ी चढ़ा दी हूँ, और एक साइड जो है खीर भी चढ़ा दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं, मेरे जो है कढ़ी जो है उबाल आ चुकी है कढ़ी में, तो इसमें मैं डाल रही हूँ बूंदी, क्योंकि मैंने पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि लेट भी हो रहा था और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। तो मैंने सोचा कि चलो बूंदी डाल देते हैं, तो क्योंकि प्लेन कढ़ी जो है नहीं बनाई जाती है ना, इसीलिए मैं जो है, तो यहाँ पे मैं जो है ना बिना लहसुन प्याज का जो है खाना बना रही हूँ। तो मैंने इसमें जीरा और लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता का छौंक दे दिया था मैंने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि खीर भी मेरा जो है कि चढ़ गया, आधा पक भी गया है खीर। अब इसमें डालूँगी मैं इलायची, और थोड़ी देर के बाद जो है चीनी डालूँगी मैं। सो गाइस तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बनाने की तैयार कर रही हूँ। खीर बन चुका है, कढ़ी भी बन चुका है। तो यहाँ पे मैं फ्राई पैन में जो है कि पनीर को जो है थोड़ा थोड़ा सेक लेती हूँ। और ये फ्राई पैन मैंने अपने यूट्यूब के पैसे से लिया है, मेरी फर्स्ट पेमेंट जब आई थी तो मैंने इसको लिया था। तो मैंने सोचा है कि जब जब मेरी पेमेंट आएगी तो कुछ कुछ जो है किचन का सामान लेती रहूँगी मैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर की सब्जी। तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनाना है। तो मैंने तेल डाल के जीरा डाला था, और क्या बोलते हैं, टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और पनीर मसाला था, उसको ही मैं भून लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैंने लास्ट में जो है नमक डाल दिया है, मसाले भून चुके हैं। फिर मैं इसमें मटर और पनीर डाल देती हूँ जो मैंने सेक के रखे थे। इसके बाद जो है कि इसको मैं थोड़ा देर में हल्का सा पानी डालूँगी, और इसको उबाल आते तक जो है मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ी है तो ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए, और लहसुन प्याज नहीं है तो थोड़ा कम ही ग्रेवी वाला मैं रख रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, और फिर मैं इसको ढक दूँगी, और उसको 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है पनीर की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, और शाम के बज गए हैं 6:30 बज चुके थे, और मुझे लेट भी हो गया है पूजा की तैयारी करनी। इसके बाद जाऊंगी मैं पूजा की तैयारी करूंगी, सब कुछ रख हो के इसके बाद मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये रहा मेरा श्रृंगार का सामान, और ये है मेरी साड़ी। और मैंने करवा चौथ पे साड़ी वगैरह नहीं ली है, ये मैंने अपनी बहन की शादी में लिया था, जिमी चू की साड़ी है, तो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि साड़ी है तो फिर क्या लेना है फालतू का। तो मैंने इसी को धुलवा के जो है पहन लिया था। और ये मेरे गजरा देख सकते हैं, ये नकली वाला गजरा है। और ये भी देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। तो गजरा भी मैंने लगा लिया है जो कि नकली वाला है। और यहाँ पे मेरा बाकी था
पैर कलर करना, तो यहाँ पे मैं पैर कलर कर रही थी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो थोड़ा शूट करवा रही थी अपने बेटे से, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वीडियो बना रहे हैं। मैं सच्ची दिखा देती हूँ अपना फाइनल लुक कि मैं कैसे दिख रही हूँ। तो ये साड़ी है, और यहाँ पे देखिए ये मेरी मेहंदी कितनी अच्छी कलर आई हुई है। गाइस तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, बैठूँगी। इसके बाद बाकी सामान जो है मैंने रख लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये छन्नी और प्लेट को मैंने, थाली को मैंने ही सजाया अपने हाथों से। प्लेन खरीद के लाई थी, फिर मैंने लेस लिया था और इसको अच्छे से मैंने सजा लिया है। बहुत सुंदर और प्यारा लग रहा था। सो गाइस तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है पूजा हो चुका है, मतलब कथा जो कहते हैं, मैं कथा जो है कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैं आरती कर रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं करवा जो है फेरने जा रही हूँ। गए यहाँ पे मैं जो है प्रणाम कर रही हूँ माता जी को, मतलब करवा माता जी को। जो भी मेरे से गलती वगैरह हुई है तो माता जी क्षमा करिएगा मुझे। तो यहाँ पे जो है पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ छत पे, क्योंकि चांद जो है निकल आए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अर्घ देने के लिए। तो अर्घ वाली वीडियो जो है मेरा बेटा बनाया ही नहीं, उसको लगा कि वीडियो ऑन है, लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है मैं चांद को देख के अपने हस्बैंड जी को देख रही हूँ। यहाँ पे जो है अपने हस्बैंड जी का जो है पाँव छुई, और मेरे हस्बैंड जी जो है मुस्कुरा रहे थे, देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो है व्रत खुलवाने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। पानी जो है पिला करके जो है इन्होंने मेरा व्रत पूरा किया। यहाँ पे सो गाइज मैंने चेंज कर लिया। तो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं जीरा राइस और मटर मैंने डाल के जो है पुलाव बनाया था हल्का सा। मैं पूड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम सब लोग जो है बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे वीडियो को मैं करती हूँ एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।